सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर एज जनरली इट्स आल्सो कॉल्ड एज बीपी। ठीक है, सो इसको जनरल टर्म्स में हम बीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी। और आप अक्सर देखते हो बीपी रिलेटेड इश्यूज आजकल, जिसको बोलेंगे हाइपर टेंशन एंड हाइपोटेंशन। पर्टिकुलरली ये जिसको बोलेंगे, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो ब्लड का प्रेशर क्या है और व्हाई वी कॉल दिस एज ब्लड प्रेशर। ओके, सो ये आता है हमारे चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। सो आइए पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन। अगर हम देखें ब्लड प्रेशर जो है, इट इज द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जनरली हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर देखते हैं, जनरली हम देखते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसका मतलब हम आर्टरीज का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर मेजर करने का मतलब होता है जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया, दिस इज द पर्टिकुलर फोर चैम्बर्ड हार्ट, और जब इसने ब्लड को पंप किया, वेंट्रिकल्स पर्टिकुलरली पंप करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा के जरिए से बाहर की तरफ भेजता है, एंड जो राइट वेंट्रिकल है ये भेजता है पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लड। सो जनरली जो आर्टरीज होती हैं, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो इस दौरान क्या होता है, व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। जनरली आपको बताया गया है जब भी हम किसी भी वेसल या किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूड रखते हैं, तो फ्लूड में ये प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर। चाहे आप एक बकेट लाएं, एक पर्टिकुलर बॉटल लाएं, या कुछ भी लाएं, या एक बीकर लाएं, और उसमें आप जो भी फ्लूड डालेंगे, फ्लूड का मतलब होता है शाबाश एनी लिक्विड और एनी गैस, इट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूड। सो एनी फ्लूड दैट एग्जर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, सो दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूड। अब यहां पर अगर ब्लड की बात करेंगे, तो ब्लड ऑल्सो इज अ फ्लूड, इजंट इट? ब्लड इज ऑल्सो अ फ्लूड, और देयरफॉर जैसे बाकी फ्लूड्स जो है वो ब्लड वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वैसे ही ब्लड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, या ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स थ्रू विच इट फ्लोज। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच द पर्टिकुलर सब्सटेंस और फ्लूड इज पुट, वो एग्जर्ट करता है प्रेशर। ओके, सो इसी तरह से इन द पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो होता है थ्रू द ब्लड वेसल, देयरफॉर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स द ब्लड प्रेशर इज एग्जर्टेड। ओके, व्हाट हैव वी लर्न्ड सो फार, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड। देखिए अब क्या होता है, नाउ द हार्ट हैज टू पोजिशंस, या इन टर्म्स ऑफ कि हार्ट जब फंक्शन करता है, जब ये अपना कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, लेट मी ड्रा द हार्ट, ये हमारा हार्ट जो है ये दो तरह की चीजें करता है, एक तो ये सिस्टोल में होता है, और जब ये सिस्टोल होता है देन इट इज पर्टिकुलरली पंपिंग द ब्लड आउट, और जब ये डाइस्टोल करता है, सबसे पहले आपको बोला गया है सिस्टोल एंड आपको बोला गया है डाइस्टोल, राइट? डाइस्टोल आपको इस बारे में बोला गया है, सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स ऑफ द हार्ट। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता चलूं, जो सिस्टोल है उसमें भी आपने देखा होगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल एंड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं सिस्टोल की, तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, क्योंकि देखो ब्लड को हार्ट में से बाहर निकाल, फिर से बोलिए, सर ये किसमें आती है, आपने बोला ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, हार्ट में जैसा मैंने पढ़ाया था आपको, हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स, अगर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट्स कॉल्ड एज ऑरिक्यूलर सिस्टोल, एंड अगर वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट दैट्स कॉल्ड एज वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल।
ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ और ये बात मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो कार्डियक साइकिल पढ़ा गया था उसको ये एकेडमी पे। सो अब हमने क्या सीखा, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। जब वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा ऑब्वियसली उस वक्त ब्लड जो है ये हाई प्रेशर के साथ बाहर जाएगा, हाई प्रेशर। ऐसा मान लो आपने पानी के पाइप के पीछे एक मोटर लगाया हुआ है विच इज एक्चुअली पंपिंग द फ्लूड फॉरवर्ड, राइट। सो इसी तरह से यहाँ हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, अगर हार्ट के वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया है, इसका मतलब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, बड़े जोर से। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ब्लड को फोर्सफुली बाहर भेज रहा है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, ये फोर्सफुली ब्लड को एओर्टा के जरिए से बॉडी से बाहर फेंकता है। सो दैट मीन्स ब्लड एट दैट वेरी टाइम विल बी एट जिसको बोलेंगे हाई प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एट द टाइम ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, इट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, इजंट इट? ओके, एंड इट इज अबाउट 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जिसको हम MMHg लिखते हैं, असल में जो स्केल हमने बनाया है, यानी साइंटिस्ट ने बनाया है, वो स्केल ही इस आधार पे है कि ये जो मिलीमीटर्स कितने एक्सपेंड होगा एक मर्करी उस स्केल के अंदर, वो आपको दिखाया जाएगा अभी थोड़ी देर में। सो दैट मींस ये उसी हिसाब से 120 mmHg। वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पास्कल इज द एसआई यूनिट फॉर दिस प्रेशर। ओके, इसी तरह से बार, इसी तरह से बाकी कुछ चीजें, सर मिली बार। तो यहाँ पर मिली बार, बार या पास्कल यूज नहीं किया जाता, या एटमोस्फेरिक प्रेशर यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर सीधे ये इस्तेमाल किया जाता है यूनिट, दैट इज MMHg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जब आप बायोलॉजिकल प्रेशर जो है मेजर कर रहे हो। नाउ व्हेन द हार्ट इज एट सिस्टोल, व्हेन द हार्ट इज एट डायस्टोल, नाउ एट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स्ड, व्हेन द हार्ट इज एट डायस्टोल, उस वक्त क्या होगा, नाउ द ब्लड इज मूविंग थ्रू द आर्टरीज बट नॉट एट हाई प्रेशर, या ब्लड इज मूविंग थ्रू द वेसल्स, ब्लड वेसल्स, बट नॉट एट द हाई प्रेशर, इट इज एट द लो प्रेशर, एंड दैट प्रेशर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स एट द टाइम व्हेन द हार्ट इज एट डाइस्टोल और हार्ट इज रिलैक्स्ड, इट्स कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर, इट्स कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर प्रेशर इज एक्चुअली लेस, दैट इज 180 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, सॉरी इट इज 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, नॉट 180, इट इज 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद वो लिखता है 120 डिवाइडेड बाय 80, ये डिवाइडेड बाय नहीं होता, ये 120 इसका सिस्टोलिक प्रेशर पेशेंट का एंड 80 इसका डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मली इंसान में 120 बाई 80 प्रेशर ही होता है, यानी ब्लड वेसल से जो ब्लड पास होता है ये 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80 होता है, ठीक, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने में हमारी वेरिएबल रीडिंग्स आती हैं, हो सकता है कोई पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट्स इंडिकेशन ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो तिमिसास ने सिस्टोलिक प्रेशर 120 के उसका 120 से ज्यादा होगा, उसका डायस्टोलिक प्रेशर 80 नहीं होगा, 80 से ज्यादा या कम होगा, राइट, अगर किसी को हाइपर टेंशन है या हाइपो टेंशन है। सो वेरिएशन इन द ब्लड प्रेशर कैन गिव अस द क्लू फॉर अ डिजीज, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट ये है। मगर अब आपको एक बात और बता दूं कि ये जो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की स्केल है, हमेशा एक इंसान का ब्लड प्रेशर 120 बाई 80 ही नहीं आता, ये कुछ और पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है। तो क्या सीखा हमने, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के वक्त या सिस्टोलिक फेज ऑफ द हार्ट में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब हार्ट डायस्टोल फेज में हो उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है दैट्स कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक 120 होता है एंड डायस्टोलिक 80 होता है। ओके, नाउ यहां पर मैंने आपको एक स्केल से समझाने की कोशिश की है कि ऑलवेज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट देयर विल बी 120 बाय 80, ठीक। कभी कभी अगर आप इन्फेंट का ब्लड प्रेशर चेक करोगे, अगर आप इन्फेंट का ब्लड प्रेशर चेक करोगे यानी हाल ही में जो पैदा हुआ, जो 0 मंथ से 12 मंथ तक की एज का, यानी 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा है,
उसका सिस्टोलिक प्रेशर 75 भी आ सकता है या अप टू 100 भी आ सकता है, 120 नहीं आएगा। डायस्टोलिक प्रेशर यूजुअली 80 होता है, मगर उस बच्चे का होगा 50 से 70 तक। क्लियर, ये होता था यूजुअली 120, मगर छोटे बच्चे में 57 से 100 और डायस्टोलिक होगा 50 से 70। क्लियर, अगर आप टॉडलर को देखें, नहीं 120 होगा हाँ? सर उसका क्यों नहीं 120 होगा इन्फेंट क्योंकि में? हाँ क्योंकि जो बॉडी का जो अपना डिजाइन होता है काम करने का, बॉडी का जो अपना स्टाइल होता है काम करने का, ये एज पर एज काम करता है। यानी आपका हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर, ये विद द एज ग्रो होता है, एंड विद द एज ये अपने पर्टिकुलर लिमिट तक आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही 120/80 होगा। ठीक है, ओके। तो टॉडलर्स की अगर बात करेंगे या प्री स्कूलर्स की, यानी जो स्कूल अभी नहीं गए हैं, जिनकी उम्र 1 साल से 5 साल के बीच में है, उनको हो सकता है 80 सिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन उनको सिस्टोलिक प्रेशर 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, नहीं 80 से 110 तक। ठीक, और डायस्टोलिक उनका हो सकता है 50 से 80 तक। ठीक, स्कूल एज 6 से 12 साल की उम्र का बच्चा जो है, उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 85 से 120 तक आ सकता है, और उसका डायस्टोलिक प्रेशर 50 से 80 तक सेम। और एडोलसेंट्स यानी 13 ईयर एज से 18 ईयर एज तक, यानी 10 11 12 वगैरह इस एज में 95 भी आ सकता है सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 140 भी आ सकता है। ये हाइपरटेंशन नहीं है, ये 140 जो है ये नॉर्मल है इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग एज में है राइट नाउ। एडोलसेंट एज इज फास्ट ग्रोइंग एज एंड इट्स आल्सो हार्मोनल एज। इसका मतलब उन सारी चीजों का असर जो इस पे रहेगा, उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो तेज रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इसका डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 90 तक आएगा। ठीक, सो इसका मतलब हर कोई जो जिसको बोलेंगे 90 या 140 सिस्टोलिक प्रेशर, 140 डायस्टोलिक, 90, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाइपरटेंशन है। इट डिपेंड्स ऑन एज आल्सो। सो अब हम आपको दिखाएंगे सर 18 इयर्स तक ही होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एडोलसेंट एज में, मे बी 1-2 साल और रहे, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इसको कहते हैं सिफिग्मोमैनोमीटर, सिफिग्मोमैनोमीटर। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। क्लियर, ओके। अब इसमें सिफिग्मोमैनोमीटर कौन सा है? सिफिग्मोमैनोमीटर ये है, दिस इज नॉट द सिफिग्मोमैनोमीटर, दिस इज अ सेकेंडरी, दिस इज अनदर थिंग दैट इज सिटेथोस्कोप। इट इज सिटेथोस्कोप। क्लियर, ओके। नाउ ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हो, इट इज एन कुरटकॉफ, ये उस साइंटिस्ट का नाम है हु हैज इन्वेंटेड सिफिग्मोमैनोमीटर। क्लियर, यस सर, ओके। नाउ आपके पास क्या है? आपके पास दो चीजें हैं, वन इज सिफिग्मोमैनोमीटर, अनदर इज स्टेथोस्कोप। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिस इज मर्क्यूरी स्केल, इट इज मर्क्यूरी स्केल। इसके बीच में एक पाइप होती है, दिस इज द पाइप, ओके, दिस इज द पाइप जो यहां से यहां तक जाती है, एंड दिस पाइप कंटेन्स मर्क्यूरी, इट कंटेन्स मर्क्यूरी। और ये जो स्केल दिया हुआ है, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 एटसेट्रा, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, और इसका जो है 290 एक साइड में, दूसरे साइड में 300 तक इसका हाईएस्ट स्केल आता है। ठीक, ओके। तो इसमें क्या होगा, एट हाई प्रेशर, देखो होता क्या है, एट हाई प्रेशर, ठीक, और एट हाई टेम्परेचर इवन, मर्करी एक्सपेंड, ठीक छा, ओके, मर्करी एक्सपेंड होता है जब उसको हाई प्रेशर आप देंगे। ठीक, तो ये मैकेनिज्म उसी पे है, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मर्करी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ये कितना एक्सपेंड होगा और फिर हमें कैसे मेजर करना उसके आधार पे ब्लड प्रेशर, शॉर्ट वाइल में हम वो सीखेंगे, मगर फिलहाल हम इन चीजों का नाम देखेंगे। ये जो है, दिस इज द पंप, और इसके यहाँ नॉच भी होता है,
ओके नॉट जिसको बोल सकते हैं, ये कंट्रोल होता है, इसको जिसको कहेंगे स्क्रू की तरह बंद किया जाता है और खोला जाता है, और ये जो इसमें बंद है इट्स कॉल्ड एज कफ, CUFF कफ, ठीक। और ये स्फिग्मोमैनोमीटर के पार्ट्स, ये जो है स्टेथोस्कोप से आप पल्स मेजर कर सकते हो, आप हार्ट रेट चेक कर सकते हो, आप ब्रीदिंग चेक कर सकते हो, ओके ये उसके लिए काम में आता है, ओके इसके पास ईयरबड्स होते हैं, इसके पास फॉर एग्जांपल एक डायफ्राम होता है, दिस अ डायफ्राम, ओके और इसके बाकी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो चले देखते हैं इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक। ओके सो यहां पर आपको देख रहा होगा ये है एक इंसान की आर्म, है ना, ओके दिस इज द फोर आर्म, और यहां से आगे हमारा जो है आर्म का वो हिस्सा जो बॉडी के नजदीक है, ठीक है, यानी ये कंधे से यहां तक जो पार्ट जाता है, कंधे से नीचे ये वाला पार्ट है वही, ठीक है। ओके तो कफ को क्या करना है, जैसा आप आपको इसमें दिख रहा होगा, आपको इसमें दिख रहा होगा ये जो कफ है, कफ बांधा गया है ऑन द आर्म, ओके असल में यहां से एक आर्टरी जाती है, क्या जाती है, एक आर्टरी, एंड दैट आर्टरी इज कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, यहां से ब्लड पास होगा, ओके और आप क्या करोगे, yes. आप इस कफ को यहां पे बांधोगे और आपके पास एक जो इसके हाथ में इस वक्त है डॉक्टर के हाथ में ये पंप है, यहां पे इसके हाथ में पंप होगा, पंप होगा, ओके तो ये डॉक्टर जो है ये पंप से इस ब्लैडर को, इसके अंदर ब्लैडर होता है, ओके इट कंटेन्स व्हाट, इट इज कफ ब्लैडर विद ए ब्लैडर, तो ये क्या करेगा, ये ब्लैडर को फुलाएगा, ये डॉक्टर है ये ब्लैडर को फुलाएगा, उससे क्या होगा ये ब्रेकियल आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेम्परेली ब्लॉक हो जाएगी। अब ये टेम्परेली ब्लॉक हो गई तो उस ब्लॉक होने से क्या होगा, ब्लड थोड़ी देर रुक गया और इसका मतलब अब ब्लड इसमें से आगे नहीं आ रहा, पर उससे पहले आपने क्या किया, ये जो है दिस इज द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, आपको दिख रहा है ये डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप है जहां से आप पल्स फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पल्स फील, ठीक। तो जब आपने ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक किया पल्स गायब हो गया, यानी आप कुछ भी नहीं सुन पा रहे, ठीक है, पल्स वल्स कुछ भी नहीं आ रहा, ओके अब क्या होगा, इतनी देर में जब आपने ये फुलाया, मैंने कहा ना एट हाई प्रेशर क्या होता है, मर्करी एक्सपेंड्स, जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है ना ऊपर जा रहा हुआ ये मर्करी है, ठीक। जब 200 तक, जब 200 तक आपने मर्करी को चढ़ाया, 200 तक फॉर एग्जांपल यहां तक आपने मर्करी को चढ़ाया और यहां तक पहुंचाने के बाद आप इसको प्रेशर को थोड़ा रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर को थोड़ा रिलीज करेंगे, तो प्रेशर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, साथ साथ में मर्करी भी नीचे आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, से फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट आ गया कि आपने पल्स का पहला ठप सुना या ठक सुना, पहला पल्स, पहला ठक आप जहां पे सुनोगे, राइट, ये है सिस्टोलिक प्रेशर पेशेंट का, क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। नाउ से फॉर एग्जांपल आपने ब्लैडर को फुलाया, ब्रेकियल आर्टरी ब्लॉक हो गई, ब्लड ब्लॉक हो गया, ब्लड नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रहा, आपने धीरे धीरे प्रेशर रिलीज किया, जब मर्करी अब नीचे आ रहा है धीरे धीरे, 140 पे पहुंच गया और उसके बाद आपने पहला ठक सुना, पहला पल्स सुना, जरा मुझे बताओ इस पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, सर एक बार फिर से बोलिए, मैंने कहा आपने क्या किया, आपने ब्लैडर को फुलाया, ओके इससे मर्करी ऊपर आ गया अप टू 200, अब आपने 200 तक पहुंचने के बाद मर्करी को थोड़ा रिलीज कर दिया, कैसे, आपने प्रेशर रिलीज किया, जो मैंने कहा आपके हाथ में कंट्रोल है पंप पे, तो पंप आपने थोड़ा सा रिलीज कर दिया, ओके तो ब्लैडर थोड़ा थोड़ा वापस डिफ्लेट होने लगा, सो डिफ्लेट होते होते क्या हुआ कि ब्लड थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है, ब्लड को अभी छोड़े, अभी पहले आप देखें मर्करी रिलीज हो रहा है, मर्करी नीचे आ रहा है, तो जब ये 140 पे पहुंच गया, 140 पे जब ये पहुंच गया, तो आपने पहला पल्स सुना, इसका मतलब उसी टाइम पे ब्लड रिलीज हुआ और आपने पहला पल्स सुना, जरा मुझे बताओ उसका सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा पेशेंट का, 140 होगा ना, 140 सर, जहां पर आप पहला पल्स सुनेंगे रिलीज करते हुए, That is the first, that is the particular systolic pressure. अब आप और इसको रिलीज करते जाइए,
अब आप पल्स सुन रहे हो, लब डब लब डब लब डब लब डब, एक पॉइंट आएगा ये पल्स डिसअपियर हो जाएगा, क्या होगा? डिसअपियर, फिर से डिसअपियर। जहां पर ये डिसअपियर हुआ वो इसका डायस्टोलिक प्रेशर है। क्या किया आपने, आपने पहले ब्लैडर को इन्फ्लेट किया, ब्लैडर इन्फ्लेट हो गया, ब्रेकल आर्टरी ब्लॉक हो गई, ब्लड ब्लॉक हो गया, अब ब्लड नीचे नहीं आ रहा। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, आप अब पल्स नहीं सुन रहे हो, अब तक मर्करी 200 तक पहुंच गया है। अब आप मर्करी को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हो, ओके, मर्करी रिलीज होते होते क्या हो रहा है, मर्करी रिलीज होते होते हो रहा है ये कि ब्लड धीरे धीरे लूज हो रहा है, यानी ब्लड धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और 140 पे पहुंचने के बाद ब्लड रिलीज होगा और आप पहला पल्स सुनेंगे, तो इस पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर 140 है। और उसके बाद आप फिर से रिलीज करते जाइए और तब तक पहुंचे जब तक आप ये पल्स फिर से डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि 140 के बाद जब मर्करी नीचे आ रहा है अब तक आप पल्स सुन रहे हो, लब डब लब डब लब डब, एक पॉइंट आएगा जब आपका पल्स फिर से गायब हो जाएगा, जब पल्स फिर से डिसअपीयर हो गया, दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? ओके, तो अगर इसको मैं ऐसे समझा, 70 पर आएगा, हां सर ये 70 पर अब आएगा, अगर ये नॉर्मल होता है तो 80 के आसपास। एक ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू से क्या चल रहा होता है, ब्लड। आपने क्या किया, नाउ दिस ब्लड इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द वॉल्स, मैकेनिज्म को समझ लेना, दिस ब्लड इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, क्लियर, ओके। बाहर से आपने कफ बांधा था, बाहर से क्या बांधा था आपने, कफ, ओके, जब आपने कफ को इन्फ्लेट किया, मेरी बात को गौर से सुनना, आराम से सुनना, इस कफ को जब आपने इन्फ्लेट किया, कफ ने भी प्रेशर एक्सर्ट किया था ना ब्लड वेसल पे, जब इसने ब्लड वेसल पे प्रेशर एक्सर्ट किया, अगर ये प्रेशर ज्यादा था, दैट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कफ ऑन द ब्लड वेसल, ये है ना दोनों अपोजिट, है कि नहीं, ओके, कफ वाला प्रेशर इनवर्ड्स एंड ब्लड वाला प्रेशर आउटवर्ड, राइट, ओके। जब कफ वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब कफ वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये ब्लड को ब्लॉक करेगा, क्लियर। अब आपने कफ को रिलीज किया, जब फॉर एग्जांपल कफ का प्रेशर रिलीज करते करते उस पॉइंट तक पहुंचेगा जब जब कफ का प्रेशर एंड ब्लड का एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर सेम आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ओके, इक्विलिब्रियम में आएंगे, तब जाके ब्लड रिलीज होगा। तो आपने इनडायरेक्टली प्रेशर को ये किया, चेक किया, सो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग द ब्लड प्रेशर, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग द या रिकॉर्डिंग द ब्लड। सर एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा, शाबाश, लेट मी रिपीट, मैंने कहा कफ ने प्रेशर एग्जर्ट किया था ब्लड वेसल पे इनवर्ड, ठीक, उससे क्या होगा, उससे ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ओके, आपने पाइप पे बाहर से प्रेशर एग्जर्ट किया, पाइप घसना बंद घसा कितना, यस सर, ओके, आपने चारों तरफ से प्रेशर बनाया इस पाइप पे, पाइप को बंद किया, पाइप का मुंह बंद कर दिया, वो पाइप घसना बंद, वही किया इसने कफ ने, जब बाहर से प्रेशर एग्जर्ट किया ऑन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल बंद हो गई, क्लियर, ओके। अब आपने जब प्रेशर रिलीज किया, आपने जब प्रेशर रिलीज किया, ब्लड ने भी एग्जर्ट किया है ना प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक, जब ये प्रेशर, जब ब्लड का एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर कफ के प्रेशर के बराबर आ जाएगा और कफ के प्रेशर को ओवरकम करेगा, उस वक्त ब्लड रिलीज होगा। तो आप असल में कफ का प्रेशर मेजर करते हो, ओके, मगर साइमल्टेनियसली उससे आपको मिलता है आइडिया अबाउट द ब्लड प्रेशर। तो तुमने डायरेक्टली पूछा ब्लड प्रेशर, आप इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर देखते हैं, यानी आपने कफ के ब्लड को, ये कफ के प्रेशर को मेजर किया, उससे आपको आइडिया मिला ब्लड वेसल के अंदर के प्रेशर का, क्योंकि जिस वक्त आपने कफ का प्रेशर मेजर किया और कफ का प्रेशर जो था वो इक्विवेलेंट था विद द ब्लड प्रेशर, तब उनसे इनडायरेक्टली व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, अदरवाइज यू वुड नॉट रिकॉर्ड इट, वो अच्छा ना इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग द ब्लड प्रेशर। सो ये ब्लड प्रेशर था। नाउ अगर किसी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, it will be because of certain things like some diseases may be there, a high ya low blood pressure kyun hota hai, high blood pressure ko hypertension kehte hai, low blood pressure ko hypotension, ye kyun hota hai, it is because of certain diseases, particularly high blood pressure, okay,
उसके बाद हो सकता है ये बिकॉज ऑफ एक्सेसिव या इंटेंसिव वर्क जो आप करते हो आउटडोर्स, कहीं आपने देखा धूप में कोई काम कर रहा था दिन भर, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, राइट? ओके, सो डिजीजेस जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, आप देखें कोलेस्ट्रॉल जिनका होता है वो शुगर साइन कैच ब्लड वेसल है, ओके आपने कोलेस्ट्रॉल खाया, आपने सर कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल, मतलब हाँ सर कोलेस्ट्रॉल इसकी डेफ मतलब क्या होता? कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड, ओके सो जो आपको बोला जाएगा लिपिड के तीन टाइप्स होते हैं, राइट? या आपको पढ़ाया गया है, वो मैंने पढ़ाया है खुद. सो इसके तीन टाइप्स होते हैं लिपिड के, एक होता है सिंपल लिपिड्स, दूसरा होता है कंजुगेटेड लिपिड्स, तीसरा होता है डेराइव्ड लिपिड्स. तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये आता है डेराइव्ड लिपिड्स में, क्योंकि डेराइव्ड लिपिड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिटेरॉल्स एंड दूसरा होता है टर्पीन्स, दूसरा होता है टर्पीन्स. एंड स्ट्रॉल में एक टाइप सर है, एनिमल्स में जो स्ट्रॉल पैदा होता है दैट्स कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल. सो इन नट शेल कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, ठीक? वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर से ये हॉर्ट से रिलेटिव होता है, रिलेटेड किनके हॉर्ट हाँ से रिलेटेड होता है हॉर्ट हाँ वही बता रहा हूँ मैं, से। हाँ वही बता रहा हूं मैं. देखो ये ब्लड वेसल्स को अंदर से क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं, ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन्स को अंदर से बंद कर देते हैं. उसे क्या होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया. इसका मतलब जब आपने, मैंने पहले भी कहा था, पाइप को जब आपने बाहर से बंद कर दिया डायमीटर कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज, तो जितना जितना यहाँ डायमीटर कम होगा उतना उतना इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होगा. अब अगर हार्ट के रिलेटेड क्या है, हार्ट में कुछ अलग ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट के अपने मसल्स को करते हैं सप्लाई, जैसे उनमें आता है कोरोनरी आर्टरीज. तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आ गया तो हार्ट अटैक होगा, सो दैट इज कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उससे भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर. एक्सेसिव इंटेंसिव वर्क, उससे हो सकता है लो ब्लड प्रेशर. इसी तरह से सॉल्ट इनटेक अगर ज्यादा हो गया उससे हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर. उसके बाद अगर आपने लार्जर अमाउंट में फ्लूड इनटेक किया तो उससे हो सकता है लो ब्लड प्रेशर. तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, या आपने कोई दवाई खाई, जैसे हमारे पास एक टैबलेट आती थी लैसिक्स टैबलेट, तो लैसिक्स से क्या होता था ब्लड प्रेशर लो हो जाता था. कुछ लोग उसको किसी और मेडिसिन, किसी और चीज के लिए लेते थे, लेकिन अक्सर इसको लिया जाता था ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने के लिए. तो क्या होता है यूजुअली, मैं आपको बताना चाहूंगा सम डिजीजेस या एक्सेसिव वर्क और एनी अदर सिचुएशन. तो नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाई एंड हाउ द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर. जी टिल देन स्टे ब्लेस्ड. जी अस्सलाम वालेकुम.